हेलो फ्रेंड्स, मैं उसने स्नेहा किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए मुरमुरे और कुरकुरे की बेल लेके आई हूँ। ये थोड़ी डिफरेंट है, आप ज़रूर देखिए, सेम ठेले वाले जैसी और उससे भी अच्छी बनती है। आपने बेल तो बहुत खाई होगी लेकिन इस तरह की कभी नहीं खाई होगी। इसमें मैंने एक ख़ास चीज़ डाली है, उससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आया है और बहुत क्रंची बेल बनी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आप वीडियो फुल देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इसमें मैंने क्या डाला है। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए अब देर ना करते हुए हम बनाते हैं बेल। बेल बनाने के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसमें हम 2 कप मुरमुरे के डाल देंगे। इसे बहुत सी जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इसे हमें 2 मिनट के लिए सिर्फ भूनना है, ताकि इसके अंदर जो नमी रहती है वह निकल जाए और थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, तभी बेल का मज़ा आता है। इसे हमें जलाना नहीं है, इसे हमें लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ही भूनना है। अब इसे 2 मिनट हो चुके हैं भुन के, अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। ये मैंने नमकीन मूंगफली ली है, ये 2 बड़े चम्मच डाल दूंगी। आप ज़्यादा खाते तो ज़्यादा डालिए। ये मैंने चना दाल मसाले वाली ली है, ये भी मैं 2 बड़े चम्मच डाल दूंगी। अब इसमें मैं बारीक सेव डाल दूंगी, ये भी मैं 2 बड़े चम्मच डाल दूंगी। अब इसमें मैं एक ख़ास चीज़ डालूंगी, कुरकुरे। कुरकुरे का एक पैकेट डाल देंगे, इससे आपकी बेल बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये आप एक बार डालकर बना के देखिए, बहुत ही अच्छी बनती है। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट डाल देंगे। अब इसमें मैं 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काटा हुआ, ये डाल देंगे। 1 टमाटर बारीक काटा हुआ, ये भी डाल देंगे। इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं। अब इसमें हम 1 मीडियम साइज़ की ककड़ी बारीक काटी हुई, ये भी डाल देंगे। अब केरी का सीज़न नहीं है, नहीं तो हम इसमें केरी भी काट के डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्चें बारीक काटी हुई, 1/4 कप हरा धनिया बारीक काटा हुआ, इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, ये चाट है तो ये ज़रूर डालिए। हरे धनिए की चटनी, ये भी मैं 2 बड़े चम्मच डाल दूंगी। इसमें मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च डाल के चटनी बनाई है। इमली की मीठी चटनी, ये भी हम 4 से 6 चम्मच डाल देंगे और इसे मैं मिक्स करूंगी। अगर मुझे कम लगेगी तो मैं और डालूंगी, क्योंकि बेल गीली होती है, सूखी नहीं। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपने देखा होगा ठेले वाला बना के देता है बेल, तो ये थोड़ी गीली होती है, मीठी चटनी ज़्यादा डालते हैं तो अच्छी भी लगती है। मैं और डाल रही हूँ, मैंने इसमें लगभग 1/2 कटोरी इमली की मीठी चटनी डाल दी है। और अब आप देख सकते हैं, ये सेम ठेले वाले जैसे ही गीली बेल बनी है। इस तरह हमें चाहिए, सूखी नहीं चाहिए। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप तीखी चटनी ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1 नींबू का रस डाल देंगे, इससे बेल का स्वाद बहुत बढ़ जाता है और नींबू के बिना तो बेल का मज़ा ही नहीं। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बेल बच्चे बड़े सबको पसंद आती है। जब भी कब भूख लगे, किसी का भी मन हो, ये आप झटपट से बना सकती हैं। सिर्फ आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। ये देखिए बेल बन चुकी है, अब इसे हम सजाते हैं। इस पर हम चना दाल मूंगफली, आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब इसके ऊपर हम बारीक सेव डालेंगे। कुछ लोग नमकीन सेव डालते हैं, लेकिन मैंने सेम ठेले वाले जैसा बनाया है, वो इस तरह की बारीक सेव ही डालता है। ये देखिए कि दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, तो सोचिए खाने में भी कितनी टेस्टी लगती है। अब इसे हम हरे धनिए से गार्निश करेंगे। बारीक काटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, इससे भी आप देख सकते बेल का लुक अलग हो जाता है। दिखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये लीजिए, आपकी कुरकुरे बेल रेडी हो चुकी है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।